गाइस hey आज हम लोग बनाने वाले पिज्जा पॉकेट्स येस yes, यू हर द राइट right? बहुत ही इजी एंड स्टोव पे बनने वाले पिज्जा पॉकेट्स नो ओवन नो माइक्रोवेव नीडेड एंड इसके लिए आपको लेना है वाइट ब्रेड आप इसको कोई भी राउंड चीज से कट कर सकते हैं राउंड शेप में चाहिए इसीलिए मैंने यहाँ पे बॉटल की कैप्स जो आती है ना उसकी हेल्प से इसको कट किया है एंड गाइज फिर उसके बाद उसको बेल लेना है यहाँ पे मैंने बहुत ही पतला बेला आप लोग भी ऐसे बेल सकते हैं एंड उसके बाद हम लोगों को उसका फीलिंग बनाना है जिसके लिए मैंने लिया है हर काइंड ऑफ सब्जी एक्चुअली आप कोई भी सब्जी ले सकते हो जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वही लिया है ऑनियन कॉर्न टमाटो कैप्सिकम एंड चीज़ एंड आई आई स्वेयर बाय दिस आई एम गोइंग टू रियली टेल यू दिस इज़ सो इजी एज़ वेल एज सो टेस्टी एंड सो यमी एग्जैक्टली पिज़्ज़ा वाला फील देता है आपको पिज़्ज़ा की क्रेविंग जो होती है ना इंस्टेंटली सैटिस्फाई कर देगा ट्रस्ट मी सो यहाँ पर हम लोगों ने डाल लिया अपना चीज़ कॉर्न कैप्सिकम टमाटो एंड ऑनियन एंड उसके साथ आप लोगों को डालना है कैचअप एक्चुअली आप लोग कैचअपिया पास्ता सॉस पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं आप लोगों की कन्वीनियंस ये ना बिल्कुल जुगाड़ू पिज्ज़ा है सो so आप लोगों के पास जो भी घर में होगा उसी से काम चलाना पड़ेगा एंड काम चल भी जाएगा और उसके साथ आपको डालना है म्योनीज़ एंड उसको करना है अच्छे से मिक्स उसका अंदर वाला जो बैटर है ये रहा रेडी एंड उसके साथ आप लोग डाल सकते हैं ऑरिगेनो एंड और चिली फ्लेक्स फॉर मोर फ्लेवर एंड बिना ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का तो पिज़्ज़ा ही मैं इमेजिन नहीं कर सकती सो so यहाँ पे मैंने जो हम लोग पड्डू बनाते हैं ना जो उसको गुलगुले बोलते हैं वो राउंड वाला वो वाला लिया है उसको करना है आपको बटर से ग्रीस एंड जो हम लोगों ने ब्रेड को पतला पतला बेला था ना उसको उसके अंदर रखना है लाइक उसके अकॉर्डिंगली एंड उसके अंदर जो हम लोगों ने फिलिंग बनाई थी कॉर्न ऑनियन एंड एवरीथिंग चीज़ वाली उसको आपको उसके अंदर डालना है उसके ऊपर से डालो ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स एंड उसके ऊपर डालो अपना चीज़ अच्छे से ग्रेट करके बिल्कुल कंजूसी नहीं ढेर सारा चीज़ एक बार जब आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा ना आपको सिर्फ उसको गैस पे रखना है एंड तब तक कुक करना है जब तक आपका चीज़ जो है ना मेल्ट नहीं हो जाता एंड गए सीरियसली गरम गरम खाने में इतना मज़ा आया था लाइक दिस इज़ द इजिएस्ट स्नैक्स आई हैव एवर मेड पर्सनली जो उसने मुझे पिज्ज़ा की क्रेविंग्स को सैटिस्फाई किया एंड द चीज पुल वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इतना सारा चीज एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इट इज़ सो इजी यू गाइज आर गोइंग टू लव इट आई पर्सनली लव इट एंड डू ट्राई टू एंड टैग मी एट एट साधिया में सारा गाइज भूलो मत टैग करो